एनडीएच न्यूज की रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। भोपाल नागपुर राष्ट्रीय हाईवे बुधवार सुबह करीब 10:30 बजे भीषण हादसा हो गया। इस हादसे में अनियंत्रित डंपर ने 3 ट्रकों और 1 कार को बुरी तरह से टक्कर मारी। डंपर और ट्रक के बीच में आ जाने से कार बुरी तरह पिचक गई और इसमें सवार 2 लोगों की मौत हो गई। मरने वाले होशंगाबाद के रहने वाले थे। दोनों की पहचान शिवप्रसाद परतवाल और कार ड्राइवर राजेश मालवीय के रूप में हुई है। कार शिवप्रसाद ट्रेवलिंग एजेंसी की बताई जा रही है। डंपर का ड्राइवर हादसे के 2 घंटे बाद तक वह डंपर में फंसा रहा, इसके बाद उसे निकाला जा सका। कार को घसीटते हुए ले गया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक बुधनी की ओर जा रहा गिट्टी से भरा डंपर घाट पर खड़े ट्रक से टकरा गया। इससे डंपर के ड्राइवर का केबिन बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया और ड्राइवर के पैर इसमें फंस गए। इस बीच स्टीयरिंग लॉक होने और ब्रेक फेल हो जाने से डंपर रुका नहीं और सामने से आ रही स्विफ्ट कार से टकरा कर उसे घसीटते हुए ले गया। दोनों वाहन करीब 15 फीट दूर ही पहुंचे थी, तभी कार के पीछे चल रहे ट्रक और डंपर के बीच आ जाने से कार बुरी तरह से पिचक गई। इसमें सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।